फटाफट खत्म कर देंगे यूथ चुटकियों में बच्चों फटाफट खत्म कर देंगे ठीक है देखो डे दे वन से जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको ये टर्म्स बताई थी मोनोशियस क्या होता है बाई सेक्शुअल हारमेफ्रो क्या होता है डायोशियस क्या होता है यूनिसक्शुअल क्या होता है ना जिसमें से जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो मोनोशियस बाइसेक्शुअल हारमेफ्रोडाइट होते हैं और जिसमें सिर्फ एक होता है वो डायोशियस और यूनिसेक्शुअल होता है राइट इसके बाद की बात करें तो हमने नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चर देखी थी ये फ्लार की सेपल पेटल क्या होता है स्टेमन क्या होता है स्टिल क्या होता है एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड स्टेमन की स्ट्रक्चर में हमने फिलामेंट देखा था एंड उसके ऊपर एंथर देखा था एंथर को हमने जब टीएस काटा था बच्चों तो इसमें ना हमारे पास में कुछ नुण 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 नु स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि एक एंथर का टीएस जो होता है उसमें लोब्स होती हैं दो और हर लोब में दो थीकास प्रेजेंट होते हैं राइट तो दोनों ही थीकास को भी हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टल हम कह सकते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीन तरीके की चीज़ें आती हैं यहाँ पर एंड इसके अलावा बच्चों आप मुझे सिंह कार्पस एपो कार्पस का क्या एग्जाम्पल होता है कॉमेंट करके जल्दी से बता दो कि क्या क्या कौन से हैं ऐसे फ्लार्स जिसमें सिन कार्पस मिलता है कौन से है जिसमें एपो कार्पस मिलता है जल्दी जल्दी कमेंट करो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ठीक है स्पोरोफाइट के बारे में और ये है टीएस ऑफ एंथर जिसमें एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर थी एंडोथीसियम मिडिल लेयर है ना और ये तीनों ही लेयर किस में करती हैं पोलन सैक के डेहिस में हेल्पफुल होती हैं और सुरक्षा का, का काम करती हैं साथ साथ में जो टेपिटम थी ये न्यूट्रिएंट देने का काम करती हैं पोल्स को जो पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं अंदर ठीक है ये हमने इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो सब किया मेगास्पोरेंजियम जो होता है और

और uh, के बारे में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी पॉलिनेशन के टाइप्स ऑटोगेमी जेटेनोगेमी जीनोगेमी चैजमोगेमस ये क्या होता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में भी हमने बातें की थी एनिमोफिली के बारे में बात की थी जो हवा से होने वाला पॉलिनेशन होता है हमने हाइड्रोफिली की भी बातें की थी बच्चों जो पानी से होने वाला पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन जुओोफिली के बारे में भी बात हमने की थी इंसेक्ट आ, एंटमोफिली के बारे में बात की थी यक्का एंड मौत का प्यारा सा रिलेशनशिप भी हमने देखा था कि एक्चुअली में कैसे होता है कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखा था कि कैसे एक स्टिग्मा जो होती है वो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है अपने ऊपर डेवलप होने से एंड डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा किस तरीके से होता है एम्ब्रियो से हमने एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट देखा डाइकॉट प्लांट्स में भी देखा और मोनोकोट्स में भी देखा सब कुछ हमने कवर कर लिया था बच्चों लास्ट की क्लास में आज हम करेंगे बच्चों सीड के बारे में डिस्कशन आप देखो सीड कब बनता है पता आपको हमने ना बात की थी ओव्यू uh, uh, मतलब फीमेल का पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों कार्पल और पिस्टल दिस इज दी ओवरी है ना और दिस इज द स्टिग्मा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस ओवरी में बच्चों हमने ना इस फ्यूनिकल के जरिए यहां पर ना एक फ्यूरिकल के जरिए यहाँ पर एक अटैच स्ट्रक्चर देखी थी दैट इज दैट इज वॉट दैट वॉज ओव्यूल राइट तो इस तरीके का इस तरीके का नहीं था ओव्यूल है ना फिर से बना देते हैं दूसरे कलर से है ना तो कुछ इस तरीके का हमने ओव्यूल देखा था बच्चों जिसमें इंटेग्यूमेंट्स लगे हुए थे इस तरीके से है ना ये अटैच था यहाँ से हाइलम से ये ओव्यूल था बच्चों ये ओव्यूल के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया था ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक तो आपको पता ही किस तरीके का होता है तीन एंटीपोडल यहाँ पर देखी थी हमने ये सेंट्रल सेल देखी थी है ना तो ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और आपने एम्ब्रियो सैक में हमने क्या किया था फ़र्टिलाइजेशन सीखा था डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक की जो स्ट्रक्चर हुई थी बच्चों वो बाद में पता है कैसे बन जाती है ये तीन सेल तीन सेल फिर दो सेल ऐसे रहता नहीं है पता है कैसे रह जाता है ये रह जाता है एक तो एंडोस्पम और एक रह जाता है जाइगॉट मतलब जो एग सेल होती है उससे फ्यूज़न हो जाता है मेल गेमिट का तब बन जाता है जाइगॉट और एक और मेल गेमिट जो आ रहा होता है उसका फ्यूज़न जब इससे हो जाता है आ, हमारे पोलर न्यूक्लियस यानी सेंट्रल सेल से तब बन जाता है बच्चों क्या आ, हमारे

राइट right? ये न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये न्यूट्रिएंट्स दे रहा होता है इसके अलावा आप इस की ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको अगर आप इसके बाहर जाके देखते हो बच्चों यहाँ पर तो दिस वन इज़ कॉल्ड ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस वन इज़ कॉल्ड न्यूसिलस जो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर है और एम्ब्रियोसेक के बाहर है एम्ब्रियोसेक के बाहर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर राइट दिस वन जो मैं कलर कर रही हूँ रेड से दैट इज न्यूसिलस एंड न्यूसिलस भी एक न्यूट्रिटिव मीडियम होता है ठीक है बच्चों ये क्या करता है न्यूट्रीशन प्रोवाइड कर रहा होता है न्यूसिलस किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये जो एम्ब्रियो है है ना एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है ना ये जो एम्ब्रियो है ये आपको रेड कलर से दिख रहा है ये एम्ब्रियो एक्चुअली अपना न्यूट्रिशन लेगा डेवलपमेंट के लिए इसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो न्यूट्रिशन लेता है पता है किससे लेता है ये न्यूट्रिशन इस ग्रीन वाले पोर्शन यानी कि एंडोस्पम से लेता ले रहा होता है ठीक है तो जनरली तो ऐसा होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो रेड कलर का पोर्शन मैंने बनाया है न्यूसिलस ये चला जाता है ये गायब हो जाता है है ना ख़त्म हो जाता है बिल्कुल लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ये न्यूसिलस बच जाता है रिमे, रिमेनिंग रह जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग या परसिस्टेंट न्यूसिलस क्या बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसिलस तो ये परसिस्टेंट जो न्यूसिलस होता है ना बच्चों इसका नाम होता है क्या सिस्टेंट न्यूसिलस इसका नाम होता है बच्चों क्या इसका नाम होता है पेरिस्पर्म राइट right? ये क्वेश्चन आ रखा है और ये पेरिस्पर्म किस में मिलता है आपको पता है ये पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल है बच्चों एक तो ब्लैक पेपर में मिलता है ये, ठीक है एक हमें पता है कहाँ मिलता है ये? ब्लैक पेपर के अलावा बीट रूट में मिलता है ये तो ये वाले एग्जाम्पल्स ना आपको याद कर लेने हैं ब्लैक पेपर और बीट रूट ठीक है तो ये परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है जो यहाँ पर मिलता है किसी किसी में होता है सब में नहीं होता ये न्यूसिलस गायब हो जाता है ठीक है मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आएंगे इस ओवेरी के अंदर और इस ओव्यूल के अंदर ठीक है क्योंकि ओव्यूल से ही आगे जाके सीड बनता है ये सीड किससे बन रहा है पता आपको ये सीड बन रहा है लेट मी राइट इट हियर सीड बनता बच्चों ओव्यूल से राइट और फ्रूट बनेगा ओवेरी से ठीक है तो ये जो ओवेरी है दिस वन इज कॉल्ड फ्रूट ये फ्रूट बनाएगी आगे जाके और ये जो आपको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है ये है इंटेग्यूमेंट्स और ये इंटेग्यूमेंट्स वाली शिक्षक क्या है ओव्यूल है तो ओव्यूल से आगे जाके क्या बनेगा सीड बनेगा तो इस ओव्यूल से कैसे सीड बन रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ तो ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट ये न्यूसिलस होता है ये खत्म हो जाता है बट ब्लैक पेपर एंड बीट रूट में बचा रह जाता है एनसीईआरटी ऐसा बताती है इसके अलावा ये एम्ब्रियो सैक है ग्रीन वाला सॉरी uh, एंडोस्पम है ग्रीन वाला जो इसको न्यूट्रियट देगा कौन किसको न्यूट्रियट देगा एंडोस्पम एंडोस्पम न्यूट्रियट देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो बच्चों उसके बाद में पता क्या हो जाता है और ये जो इंटेग्यूमेंट्स थे ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स से ना आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स ये बन जाते हैं भीतर सीड कोट क्या बन जाते हैं सीड कोट ठीक है तो ये दीज विल कॉल्ड एज सीट कोट राइट right? ये सीड कोट बन जाएंगे बच्चों सीड के चारों तरफ तो ये ओव्यूल जो है ये एक्चुअली में अंदर से सीड बन जाएगा ये न्यूसिलस हट जाएगा है ना ये प्रेजेंट होगा न्यू क्या एंडोस्पम तो एंडोस्पम का ऐसा खेल है ऐसा सीन है कि एंडोस्पम ना कभी कभार रह जाता है और कभी कभार नहीं भी रहता मतलब जो डेवलपिंग हमारा एम्ब्रियो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन वैसे देखो एम्ब्रियो की, की तो स्ट्रक्चर तो भी हमने देखी थी ठीक है एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर में हमने कॉन्फ्लीडेंस देखे थे याद आ रहा होगा आपको कल की क्लास में हमने एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लीडेंस देखे थे दैट इज़ वाई हमने डाई कॉन्ट्लीडेंस को मोनो को अलग अलग किया था तो डाई कॉन्ट्लीडेंस में दो कॉन्टलीडेंस होते हैं साइड में मोनो में सिर्फ एक कॉटलीडेंस होता है जिसका नाम स्क्यूटेलम था तो वो इस एम्ब्रियो के अंदर होता है तो एम्ब्रियो को जो कॉन्टलीडेंस होते हैं वो खुद भी न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं भरपूर न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं तो इसको ज़रूरत ही नहीं है एंडोस्पम की लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एम्ब्रियो के अंदर कॉन्टलीडेंस इतने ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होते इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे होते ना तब एम एंडोस्पम ना उसके लिए बचा रहता है तब वो एंडोस्पम भी उसे न्यूट्रिशन दे रहा होता है तो समझ में आई आपको एक बात एक बात ये है कि एंडोस्पम किसी किसी सीड में एंडोस्पम बचा रह जाता है जो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा और किसी किसी में नहीं रहता और ये एंडोस्पम्प जो है वो नहीं रहता और न्यूट्रिशन कौन देता है फिर एम्ब्रियो को कॉन्फिडेंस देते हैं ठीक है थीके? तो इस हिसाब से हम सीड को ना दो तरीकों में बांट सकते हैं सीड को कैसे कैसे बांट सकते हैं बच्चों एक तो हमारे पास होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर आप नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हो मैं नॉन एंडोस्पर्मिक बोलती हूँ यहाँ पर और एक है आप बच्चों आपके पास में एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक राइट एंडोस्पर्मिक वो वाले सीड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है राइट तो इनमें एंडोस्पर्म नहीं हो किन में नहीं होगा एंडोस्पर्म जिसमें बहुत हट्टे हट्टे कट्टे बिल्कुल ताज़ा कौन प्रेजेंट होंगे हमारे कॉटलीडेंस जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एमरीयो को तो कॉटलीडेंस मोटे मोटे ज़्यादातर जनरली देखने को कहाँ मिलते हैं डाइकॉट प्लांट्स में तो डाइकॉट प्लांट्स में ना ये वाले चीज़ें मिलती हैं इसका एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों पी एंड ग्राउंडनट ठीक है पी एंड ग्राउंड न आ जाता है इसका एग्जाम्पल और अगर एंडोस्पम्पिक की बात करें तो एंडोस्पर्मिक वो वाले बीज होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बच्चा रह जाता है और न्यूट्रिशन देता है क्योंकि उसका सीड उसका जो ये कॉटलेडन uh, होता है वो उतना कुछ खास न्यूट्रिशन इतना दे नहीं रहा होता है हालांकि कॉटलेडन uh, भी न्यूट्रिशन दे रहा होता है बट इतना ज़्यादा नहीं दे रहा होता कि बिल्कुल कॉटलेडन पर ही हम डिपेंड हो जाएँ इसके लिए एंडोस्पम्प को प्रेजेंट रहना पड़ता है तो एंडोस्पम्प भी होता है और कॉटलीडिन भी होता है तो दैट इज़ प्रेजेंट इन जनरली मोनोकॉट्स ठीक है तो इसके एग्जांपल बच्चों कैस्टर भी हो जाता है इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ सकते हैं कैस्टर इसका एक वन ऑफ देम एग्जाम्पल है राइट right? तो आ, वीट है बारले है ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आप इसको एनसीईआरटी से देख सकते हैं ठीक है रटने पड़ेंगे और तो कोई इलाज नहीं एक्चुअली है ना ये एग्जाम्पल्स बच्चों एंडोस्पर्मिक सीड्स के होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक के ये होते हैं आई होप सो कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है एंडोस्पर्मिक क्या होता है नॉन एंडोस्पर्मिक के नाम ही दिख रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म नहीं है तो वो है पी और ग्राउंडनट एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म है मतलब कि कैस्टर वीट बालले है ना इनके अंदर एंडोस्पर्म होता है कॉटलेडन के साथ साथ परसिस्टेंट न्यूसलिस को हम बोलते हैं पेरिसपम और ये ब्लैक पेपर एंड बीट रूट में देखने को मिलता है और जब हमारा सीड डेवलप हो रहा होता है तो ये इंटेग्यूमेंट्स विल कन्वर्ट इन सीड कोट ठीक है ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इन फ्रूट राइट दिस ओवे विल कन्वर्ट इन बच्चों किस में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो आपको दिख रहा है दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इन टू सीड और सीड कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के हमने बता दिया है आई होप सो कि आई एम वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस अच्छा जब ये सीड बन जाता है ना बच्चों इसके अंदर ओवीडी के अंदर जब सीड बन जाता है तो ये जो सीड होता है ऐसा नहीं है कि एक्चुअली सीड में पता है क्या होता है ये जो आपको जगह दिख रही है क्या कौन सी जगह माइक्रोपाइल वाली माइक्रोपाइल एंड ये जो माइक्रोपाइल एंड दिख रहा है ना ये प्रेजेंट रहता है सीड में भी क्यों प्रेजेंट रहता है माइक्रोपाइल एंड सीड में क्योंकि सीड को भी जर्मिनेट होना है है ना सीड को जर्मिनेट होने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी है ना पानी की भी जरूरत पड़ेगी तो पानी और ऑक्सीजन जाएगा सीड में तभी तो सीड डेवलप होएगा है ना ग्रो करेगा डेव शो करेगा वहाँ पर डेवलपमेंट तो इसके लिए ये माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो खुला रहता है ये छेद प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये पोर प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू ऑक्सीजन और पानी अंदर आ जाता है है कि नहीं तो इस तरीके का खेल बेटा यहाँ पर हो जाता है और इसके अलावा जो सीड है वो क्या हो जाते बच्चों <coughs> ये जो सीड होते हैं ना ये बनने के बाद में क्या हो जाते हैं ये इनमें से जो 10 टू 15 परसेंट पानी होता है इनमें बस उतना ही बचा रह जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना बच्चों ये बाहर निकाल देते हैं ताकि ये खराब ना हो राइट ताकि ये ख़राब ना हो इस वजह से और इसमें माइक्रोपाइलर एन बचा रह जाता है ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको सीट के बारे में याद रखनी है अब एन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं एन में पढ़ने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ये डॉर्मेंसी के बारे में और बता देती हूँ फिर एन के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे तो डॉर्मेंसी जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है डॉर्मेंसी होता है कि मान लो हमारा सीड बन गया हमारा ये जो सीड है बिल्कुल मेचोर हो चुका है ये ओव्यूल बिल्कुल Uh, जो है सीड बन चुका है और ये सीड किस में प्रेजेंट है ओवीडी के अंदर प्रेजेंट है तो ये बच्चों ये जो सीड होता है ये सीड मेच्योर हो चुका है अब इसकी मेचोरेंशन मेचोरेशन से लेकर जब ये जर्मिनेट होएगा जर्मिनेट कैसे होएगा आपने देखा था इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है बच्चों एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था प्लूम्यूल था रेडिकल था कल ही बताया था मैंने एम्ब्रियोनल एक्सेस के ऊपर प्लूम्यूल होता है नीचे रेडिकल होता है तो प्लूम्यूल से हमारा शूट आ जाएगा और रेडिकल से रूट आ जाएगी तो ये जो है जर्मिनेट हो जाएगा ऊपर आ जाएगी शूट और नीचे आ जाएगी हमारी रूट इस तरीके का कुछ खेल हो जाएगा बच्चों और ऐसे क्या हो जाता है ये जर्मिनेट हो जाता है तो इसके मैचोरेशन से लेकर इसके जर्मिनेशन की जो बीच की स्टेज होती है दिस इज कॉल्ड द डोरमेंसी और इस डोरमेंसी स्टेट में ये जो होता है हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं इस सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं कि जब भी हम चाहें इसको जर्मिनेट करवा सकते हैं पानी वानी देकर ठीक है तो इसको ऐसी कंडीशंस चाहिए होती जर्मिनेशन के लिए ऐसे वैसी हर कंडी जगह पे नहीं ये जर्मिनेट होगा जर्मिनेट होने के लिए इसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए होता है सब कुछ चाहिए होता है तभी जाके जर्मिनेट हो पाता है तो तब तक ये क्या रहता है डॉर्मेन्सी स्टेट में रहता है तब तक ये बिल्कुल भी कोई जर्मिनेशन नहीं शो करता और इसको हम स्टोर कर सकते हैं राइट तो ये होता है डॉर्मेन्सी स्टेट बच्चों है ना इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रूट की ठीक है अगर हम बात करें फ्रूट की तो फ्रूट जो होता है अब हमने सीड बना लिया ओव्यूल से ओ, ओ, ओवेरी थी ओवेरी के अंदर ओव्यूल था वो सीड बन चुका है ठीक है उसके टाइप्स भी बता दिए मैंने नॉन एल्ब्यूमिनस होता है एल्ब्यूमिनस होता है वो बता दिया है इसके अलावा जो आपकी ओवेरी है ये ओवेरी पता है क्या बन जाएगी देखो जस्ट कम बैक टू दिस स्लाइड ये जो ओवेरी है कहाँ गई हाँ ये जो ओवेरी है ये ओवेरी ये ओवेरी बच्चों बन जाती है फ्रूट मैंने लिखा भी तो था ना यहाँ पे कहीं पे चलो कोई नहीं ये ओवेरी बन जाएगा बच्चों फ्रूट है ना और ये जो ओवेरी की वॉल होती है ये फ्रूट की वॉल बन जाएगी फ्रूट में जो छिलका होता minute, है ना तो दिस ओवेरी वॉल ठीक है हाँ तो ये जो ओवेरी की वॉल होती है ना बच्चों got. हाँ जी ये है ओवेरी की वॉल यहाँ पर लिख देते हैं ये जो ओवेरी वॉल होती है दिस विल कॉल एज पेरी पेरीकार्प क्या होता है ये जो फ्रूट के ऊपर का जो तो छिलका होता है बच्चों दैट इज दी पेरीकार्प राइट तो ये क्या होता है पेरीकार्प होता है समझ में आया आपको तो एक मिनट आप मुझे दीजिए हाँ जी तो ये होता है पेरिकार्प का ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे हम फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे तो फ्रूट जो होते हैं ना बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं जनरली देखने को मिलते हैं एक हमारा होता है ट्रू फ्रूट एक होते हैं फॉल्स फ्रूट तो दीज आर दी ट्रू फ्रूट राइट और ये एक होते हैं हमारे पास में फॉल्स फ्रूट क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में ट्रू और फॉल्स में आपने देखा बेटा बित, फ्रूट जो होता है वो एक्चुअली में किससे बन रहा है ओवेरी से बन रहा है ठीक है अब ओवेरी जो होती है अगर वो खुद फ्रूट बना रही है तो क्या होगा वो ट्रू बन जाएगा और अगर ओवेरी नहीं ओवेरी को छोड़कर कोई और जैसे आ, हम मानते हैं कि यहाँ पर ना एक थैलेमस लगा होता है जैसे थैलेमस के ऊपर ही तो ये ओवेरी वगैरह लगी हुई होती है है ना तो ये हम हमारी यहाँ पर ना ओवेरी प्रेजेंट है ठीक है ये इस तरीके से हमारा ये ओवेरी प्रेजेंट है इस इसके ऊपर किसके ऊपर थैलेमस के ऊपर तो ये जो थैलेमस है बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारी ओवेरी है तो कभी कभी क्या होता है ये ओवेरी फ्रूट नहीं बना रही होती फ्रूट कौन बना देता है ये थैलेमस बना देता है तो जब ओवेरी को छोड़कर किसी और पार्ट से फ्रूट बने तो क्या होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है है ना और इस फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स बच्चों याद करने बहुत मैंडेटरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ट्रू फ्रूट्स तो जनरली आपको देखने को मिलते ही हैं बट फॉल्स फ्रूट पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में एक आपको एप्पल दिया हुआ है एन में है ना एक आपको स्ट्रॉबेरी भी दिया हुआ है, है ना बच्चों एक आपको एप्पल दिया हुआ है एक आपको स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है एक आपको कैश्यू भी दिया हुआ है ठीक है ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं फॉल्स फ्रूट के अंदर फॉल्स फ्रूट में क्या हो रहा है ओवेरी फ्रूट बनाने में कम हिस्सेदारी रखती है या नहीं रखती है और ओवेरी के अलावा जो उसके आसपास के पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर हिस्सेदारी रखते हैं फ्रूट बनाने में थैलेमस बनाने में राइट right? अब ट्रू फ्रूट की बात करें तो ट्रू फ्रूट में कौन हिस्सेदारी रखेगा ओवेरी ओवेरी से ही क्या बनेगा फ्रूट बनेगा ट्रू फ्रूट के अंदर राइट right? तो ओवरली अगर फ्रूट बनाते हैं तो ट्रू फ्रूट बन जाएगा और ज़्यादातर सारे फ्रूट्स कहाँ आते हैं ट्रू फ्रूट में ही आते हैं तो बच्चों इतना सा ही पोर्शन था वैसे तो आज हमारा अगर हम एन पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी जल्दी से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी हमारा सीड एंड फ्रूट दोनों कंप्लीट हो चुका है कल की क्लास में हम एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे एपोमिक्सिस कल की क्लास में हम करेंगे ठीक है मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे सीड के बारे में बात करते हैं बेटो यहाँ पर क्या लिखा है In angiosperms the seed in the final product of the seed is the final product of the sexual reproduction. ye ये बहुत important line hai है बहुत बार bhi भी आए हुए yahan यहाँ से सीड जो होता है ना बच्चों इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट होता है। ऑब्वियस ही बात है सेक्शुअल रिपोडक्शन हो गया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एग के साथ में मेल के मिट्ट ने फ्यूज़ किया और zygote बनाया और जयकॉट से सीड बन गया तो सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते ही ठीक है एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल सीड को हम फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोल सकते हैं क्योंकि सीड किससे बन रहा है ओव्यूल से और ओव्यूल तो तभी सीड बना रहा है ना जब ओव्यूल खुद फर्टिलाइज हो रहा है क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही तो एग प्रजेंट है और उस एग से ही तो मेल या मिटा के फर्टिलाइज हो रहा है तो इस वजह से वो फर्टिलाइज ओव्यूल uh, के रूप में भी जाना जाता है सीड्स आर फॉर्म्ड इन साइड द फ्रूट सबको पता है फ्रूट के अंदर ही सीड फॉर्म होते हैं एंड अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट सीड कोट बताया था मैंने आपको सीड के चारों तरफ कॉटलीडेंस होते हैं इसके अंदर सीड कोट होता है कॉटलीडेंस होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस भी होती है बच्चों एम्ब्रियो होता है क्योंकि तो एम्ब्रियोनल एक्सेस तो पक्का होगी है ना इसके बारे में हमने कल भी बात कर ली द कॉटलीडेंस ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक होती हैं स्वॉलन होती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व यहाँ पे फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है स्टोरेज होता है यहाँ पर ठीक है मेचोर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस कुछ सीट्स होते हैं जो नॉन एल्बीमिनस या फिर आप नॉन एंडोस्पर्मिक बोल सकते हो और एक्स एल्बिनस भी बोल सकते हो नॉन एलबिनस सीड्स बच्चों यहां पर कोई भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता है राइट इट इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है पूरा का पूरा एंडोस्पाम वो कंज्यूम कर लेता है पी और ग्राउंडेड इसकी एग्जाम्पल हमने बात करी थी एल्यूमिनियस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पाम इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज बट ड्यूरिंग एंड एमब्रो डेवलपमेंट ठीक है वीट हो गया मेज हो गया बाड़ले हो गया कैस्टर हो गया ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों याद कर लेना है, है ना ऑकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर हो गया बीट रूट हो गया रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट दिस रिजिटल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरी स्पम ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार नीट एग्जाम में आया हुआ है तो प्लीज़ याद कर लेना इनको आगे हम बात करते हैं इसके बारे में ओव्यूल uh, की जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दे आर हार्ड एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए सीड कोट में द माइक्रोपाइल रिमेंस एज अ स्मॉल पोर माइक्रोपाइल वैसा का वैसा रह जाता है उसको सीड पोर भी बोलते हैं सीड पोर भी बोलते हैं ये पोर क्या करता है फैसिलेट करवाता है किसको ऑक्सीजन एंड वाटर को सीड के अंदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन एंड वाटर एज द सीड मेच्योर जैसे ही सीड मेच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट जो होता है बच्चों वो रिड्यूस हो जाता है वाटर कंटेंट कम हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 परसेंट पानी बचता है बाकी सारा पानी ख़त्म हो जाता है तो सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई टेन टू फिफ्टीन मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके अंदर बाई मास द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन अब ऑब्वियसली बात है वाटर ही इतना कम कर दिया तो वाटर की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है अगर हम वाटर ही कम कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो हो ही जाएगी राइट एम्ब्रियो तो में एंटर अ स्टेट ऑफ एन एक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी तो डॉर्मेंसी में इसकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो डाउन हो जाती है राइट और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल है ना एडिकुएट मॉइस्चर मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है तो वो जर्मिनेट भी हो जाता है सीड वो डॉर्मेंसी से निकल जाता है राइट एज ओविय मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट जैसे ओवियूल सीड में बदलता है देखो ओवियूल किस में बदल रहा है सीड में तो ओवरी किस में बदल रही है फ्रूट में

Right? The fruit may be fleshy as guava, orange, mango, etc., and may be dry. मे बी मतलब ड्राई भी हो सकता है फ्रूट आपका जैसे कि ग्राउंडनट हो गया मस्टर्ड हो गया मैनी फ्रूट्स हैव इवाल्व्ड मैकेानिज़्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ़ सीड अब कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके जो सीड होते हैं बहुत सारे सीड होते हैं उनके अंदर तो वो सीड को डिस्पर्स करना चाहते हैं तो डिस्पर्जल मेकैनिज़म है डिस्पर्स करने का मतलब है कि जहाँ पर वो सीड फ्रूट प्रजेंट है वहाँ से वो सीड को अलग अलग जगह पर भेजना चाहता है ताकि और भी वैसे ही फ्रूट्स बन पाएँ तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए बहुत सारी मेकेानिज़म हैं जो आपने इसमें पढ़ाया कि क्लासीफिकेशन रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द डिस्पर्जल मैनिज्म मैकेजम्स दट यू हैव स्टडीड इन द अर्यर क्लासेस है ना अगर आपको याद आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या मेथड होता है डिस्पर्जल ऑफ सीड के लिए राइट right? अब फ्रूट की बारी आ गई एनसीईआरटी क्या कहती है फ्रूट के बारे में ये कहती है कि इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डी जनरेट जनरली तो क्या होता है कि जब ओवरी से फ्रूट बन रहा होता है ना तो ओवरी के आसपास जितने भी जल, और प्लांट्स uh, मतलब पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जैसे कि स्टेम uh, आपका पेटल हो गया सेपल हो गया ये सब झड़ जाते हैं हट जाते हैं बिल्कुल डीजनरेट हो जाते हैं हाउ आयर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज़ एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू इनके अंदर ये एक्जाम्पल्स रख लेना द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन थैलेमस अवेलेबल होता है इसीलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं मोस्ट फ्रूट हाउ एयर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी जनरली तो ओवेरी से ही डेवलप होते हैं सारे फ्रूट उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं ठीक है तो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट की एग्जाम्पल दे दिया ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रूट आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ़ फर्टिलाइजेशन लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है बच्चों जहाँ पर फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी आता है जैसे जनरली तो हमने क्या किया था फ़र्टिलाइजेशन करवाया था डबल फर्टिलाइजेशन करवाया था तब हमारा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ था ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई थी बट हमारे पास कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फर्टिलाइजेशन की है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है जैसे कि पार्थेनोकार्पिक तो आप देखेंगे जहाँ पर भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना है तो वो फ्रूट के अंदर सीड्स जो होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बनाना बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता एंड दिस वन इज हियर इज दस वन सच एग्जाम्पल है ना पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन सच फ्रूट एंड फ्रूट आर सीडलेस सीडलेस होते हैं ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजोसपम फर्स्ट देखो सीड्स एन को क्या एडवांटेज दे रहे हैं जनरली uh, जिम्नोसपम में आप देखोगे आपको सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं इतने यहाँ पर क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं पहला ये कि सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज़ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर जितने भी एनजी ओस पम्प हैं उनमें रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये वाटर में नहीं हो रहा तो उनको वाटर की जरूरत नहीं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वाटर राइट तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ठीक है ऑल्सो सीड हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटी फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू ग्रो क्या होता है यहाँ पर सीड्स जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग जगह पे आराम से डिस्पर्स हो सकते हैं ठीक है और वाटर की उनको ज़रूरत होती नहीं डिस्पर्स आराम से हो सकते हैं और इस जो एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है नए नए हैबिटेट्स पे जाके सीड नई नई जगह पे जाके सीड अपने आप को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और जो स्पीसीज़ होती है वो टू तो कॉलोनाइज़ द अदर एरियाज़ है ना जो अपनी स्पीसीज होती है उन एर एरिया, दूसरे एरियाज़ में भी जाके बना लेते हैं वो सो एज दे हैव द सफिशियंट फूड रिज़र्व सीड के पास एक सफिशियंट फूड रिजर्व होता है यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑन देयर ओन अब जब तक हमारा सीड सीड को न्यूट्रिशन कब तक मिलता है सीड को न्यूट्रिशन बेटा तब तक ही मिलता है जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाए है कि नहीं फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाए तब तक ही यहाँ पर मिलता है इसको द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो सीड के अंदर एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन चाहिए होगा प्रोटेक्शन हार्ड सीड कोड देता है बींग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से सीड आया है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर वेरिएशंस भी बहुत आई होंगी क्योंकि जहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ वेरिएशंस पक्का होती ही है ठीक है अब आगे सारी ज्ञान की बातें हैं बच्चों की सीड जो होता है ना वो हमारा एग्रीकल्चर का बेस होता है एग्रीकल्चर इसी से चल रहा है डिहाइड्रेशन एंड डॉमेंसी ऑफ मेचोर सीड है ना जब डिहाइड्रेशन कर देते हैं सीड का तब हम उसको स्टोर कर सकते हैं पानी रहेगा तो सीड खराब हो सकता है लेकिन जब पानी निकल जाता है जब सीड डोरमेंसी स्टेट में आता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो होती है तो दे आर क्रूशल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड स्टोरेज ऑफ सीड कर सकते हैं विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर पूरे ईयर में एज अ फूड हम उसको यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो टू रेज द क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट सीजन में हम उन सीड को बो सकते हैं और उनसे क्रॉप निकाल सकते हैं तो कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन एबसेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स है ना ये तो आप नॉर्मल सी बातें हैं एन टी की बातें हैं ये ठीक है अच्छा अब ये जो सीड है बच्चों कितने टाइम तक डॉर्मेंसी स्टेट में रह सकते हैं और कितने टाइम तक ये आ, रह सकते हैं लाइक like, विदाउट है ना आ, उसके बिना हुए तो इसमें क्या है हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव कितने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं भाई ये है ना आफ्टर द डिस्पर्ज डिस्पर्स हो चुके हैं तो कितने टाइम तक जिंदा है तो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली ये पीरियड बहुत ज़्यादा वेरी करता है किस पे वेरी करता है कुछ कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है बच्चों जहां पर सीड की जो वाइबिलिटी होती है सीड भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जिंदा रह पाता है ना तो सीड की जो वाइबिलिटी होती है बच्चों कुछ कुछ के अंदर ना कुछ कुछ में बहुत लंबी होती है कुछ कुछ में बहुत कम होती है वो डिपेंड करता है सबके ऊपर तो सम सीड कैन रिमेन अ लाइफ फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स there are several records of year old uh, yet viable seeds the oldest is that the uh, lupine it lupine aapka lupinus arcticus जो है इसमें आपको आर्कटिक टुंड्रा के अंदर आपको एक सीड देखने को मिला था एंड द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंड ईयर बच्चों टेन थाउजेंड ईयर्स तक की डोरमेंसी स्टेट में रहा ये सीड और टेन थाउजेंड ईयर्स के बाद में जब हमने सीड को बोया तो यहाँ से फ्लावर आ, आ पाए और ये सीड जर्मिनेट हो पाया ठीक है लुपाई लुपिनस आर्कटिकस नाम की आर्कटिक टुंड्रा से ये लिया गया था सीड ठीक है एक रीसेंट रिकॉर्ड और दिखाया गया यहाँ पे 2000 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड है एक ऐसा सीड जो 2000 साल तक जिंदा रहा और ये था खजूर का डेट पाम का राइट फिनिक्स डेक्टाइलोफोरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दर्क्योलॉजिकल एक्सवे एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी डेड सी के पास में है बच्चों डेड सी में भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं डेड सी एक ऐसा सी है जहाँ पर अगर आप आ, उस सी के अंदर कूद जाते हो ना तो आप डूबते नहीं हो आप सिर्फ तैरते रहते हो इसका कारण है कि डेड सी में ना बहुत ज़्यादा नमक होता है बहुत ज़्यादा और इतने नमक की वजह से वो पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इसलिए जब आप डूबते मतलब इसमें डुबकी मारते हो तो आप इसमें डूबोगे नहीं जनरली हम पानी में डूब जाते हैं ना यहाँ पर डूबोगे नहीं आप इसमें से ऊपर लाश की तरह तैरते रहोगे अमेजिंग फैक्ट है डेड सी का भी तो टू थाउजेंड ईयर्स के फैक् फोरेनिक्स फॉरिक्स डेट पाम का आपको याद रहना चाहिए टेन थाउजेंड वाला आपको ल्यूपाइन वाला ल्यूपिनस आर्टिकस वाला याद रहना चाहिए ये एक डायग्राम आपको एन में गिवन है है ना ये देखो यहाँ पर एक सीट दि, कोटलेडन दिखाया गया है सीट दिखाया गया है है ना ये माइक्रोपाइलर एंड है ये अगर आप सीट की बात करोगे यहाँ पर देखो एम्ब्रियो की भी स्ट्रक्चर दिखाई गई इसमें ये जो है बच्चों ये कॉन्ट्लीडेंस प्रेजेंट है ये इसके चारों तरफ एम्ब्रियो प्रेजेंट है है ना सॉरी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है अब देखो इस सीड में एंडोस्पर्म क्यों दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है ये जो कॉन्फ्लीडेंस होते हैं वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं ज़्यादा मोटे मोटे कॉन्ट्लीडेंस नहीं होते हैं इसलिए एंडोस्पर्म भी होता है ये सीड कॉट हो गया यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस हो गई है ना ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया ये रूट टिप हो गई ठीक है इसके अलावा यहाँ पर ये मोनोकॉर्ट का सीड दिखाया गया आपको ये पेरिकार्प है बच्चों ये जो ओवरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प बन जाती है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मोनोकोड्स में तो वैसे ही एंडोस्पर्म होता है मोनोकोड्स सारे एंडोस्पर्मिक ही होते हैं जनरली तो स्क्यूटेलम जो होता है बच्चों ये एक मात्र इसका क्या है कॉटलिडन uh, है जो आपको याद रखना है ग्रासेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये कोलियोप्टाइल क्या होता है प्लूम्यूल रेडिकल कोल्योराइजर ये सब कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी ये जो आपको दिख रहा है एंडोस्पर्म को स्क्यूटेलम से अलग करने वाली जो ये एक बीच में वॉल दिख रही है बच्चों दिस वॉल इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर ये एक प्रोटीन की लेयर होती है एल्यूरोन लेयर ठीक है प्रोटीन लेयर होती है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा ये आप देखोगे सीड कोट है कॉटलेडन है ये शू टेपिकल है ये हाइपोकोटाइल रूट और एंडोस्पम यहाँ पर एंडोस्पम थोड़ा सा ही बचा हुआ है ज़्यादा नहीं बचा हुआ है ठीक है तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी दे सकते हो एनसीईआरटी के अंदर इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं सीड और फ्रूट के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने देखे लाइक पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ से ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं होप सो so कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा होप सो so आपको लेक्चर समझ में आया होगा अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आएगा एल नाइन लेक्चर नाइन जो कि कल की क्लास में आपको दिख जाएगा वहाँ पर हम एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी को खत्म कर लेंगे और इतने में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ठीक है बहुत बेसिक से बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर ये समझाया है अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज़ ताकि हम आपके कॉमेंट्स पढ़ें आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करें ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस चैनल एंड आप मुझे नीट मेड इजी पे भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर मैं पी वाई क्यू सेशन्स बनाती हूँ तो इस चैप्टर के लिए मैं ऑलरेडी पी वाई क्यू बना चुकी हूँ पी वाई क्यू सॉल्व करवा चुकी हूँ बहुत डिटेल से बिल्कुल स्क्रैच से हम पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मार दिया ठीक है तो वो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर भी है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा